उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ द्योरसिद्ध मंदिर के कपाट शनिवार रात से ही रविवार रात तक 24 घंटे तक खुले रहेंगे, जिसको लेकर डीसी हमीरपुर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं उपायुक्त हमीरपुर ने मंदिर प्रशासन, न्यास अध्यक्ष और एसडीएम वर्सल और पुलिस को निर्देश जारी किए कि श्रद्धालुओं से कोविड-19 की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करवाया जाए। उन्होंने बताया कि सप्ताह के अंतिम दिनों में बाहरी राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु बाबानाथ मंदिर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है कि शनिवार और रविवार को द्योरसिद्ध मंदिर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुला रखा जाएगा। मंदिर में सेक्टर अधिकारियों की तैनाती भी की गई है ताकि मंदिर में भीड़ पर काबू पाया जा सके। बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास चेयरमैन एवं उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कहा कि बाबा के दरबार को अब शनिवार और रविवार को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। साथ ही मंदिर में सेक्टर अधिकारियों की तैनाती भी की गई ताकि मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ पर काबू पाया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें और ज्यादा देर तक मंदिर में ना रुकें। हमने हाल ही में जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ऑर्डर्स किए हैं, उसमें हमने लोकल जो टेंपल प्रशासन है, टेंपल ऑफिसर, टेंपल ट्रस्ट चेयरमैन और डीएसपी, इनको आदेश किए हैं और जो कि वो उस पर कार्य कर रहे हैं कि पूरे टेंपल के इर्द गिर्द अंदर और बाहर का लोकेशन, उसमें पूरी तरह से हमने एडिशनल सिक्योरिटी भी डिप्लॉय की है लास्ट वीक से। तो पूरा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट प्लान उसका आपको बनाएं और साथ में हर सेक्टर जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ होती है उसमें एक एक सेक्टर ऑफिसर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ डिप्लॉय हो, ताकि वो समय समय पे पूरे समय जो है जहाँ जहाँ भीड़ बढ़ रही है उस पर निगरानी रख सके और लोगों को बार बार जो है जागरूक किया जाए कोविड के नियमों के बारे में। और हमने ये भी ऑर्डर्स किए हैं कि कहीं जहाँ पे बार बार समझाने पे, बार बार अपील करने पे काम नहीं आता, वहाँ पे जो भी पिनल प्रोविजंस हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है, पुलिस एक्ट में है, उनका इस्तेमाल करके जो डिफॉल्टर्स हैं, जो फिर भी नहीं मान रहे, उन पे सख्त कार्रवाई जो है वो करने के निर्देश हमने पुलिस विभाग को भी दिए हैं। इसके साथ साथ हम वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग और रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रवेश का हमने जो है प्रावधान बनाया है, ताकि अगर कोई भी सिम्टोमेटिक व्यक्ति हो तो उसको टेम्पल में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो इस संडे है, ये ज्येष्ठ महीने का पहला संडे है जहाँ पे काफ़ी मान्यता रखते हैं लोग, जो बाबा के मंदिर में भी भारी मात्रा में आते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको, इन मंदिर के कपाट को 24 घंटे खुला रखें इस वीकेंड के लिए, ताकि रश जो है एकदम से हमारे यहाँ पे ज़्यादा ना बढ़े और थोड़ा धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से जो दर्शन हम कर रहे हैं। लोगों से अपील है कि जो भी आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने, आपकी श्रद्धा है और हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, आप बिल्कुल आए, लेकिन कोविड के नियमों का पालन करें और थोड़ा हमारे साथ सहयोग करें कि बहुत लंबी दर्शन करना, वहाँ पे खड़े होके बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करना वो इस समय पे पॉसिबल नहीं है इतनी भीड़ को देखते हुए। तो कृपया लोकल जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, मंदिर के कर्मचारी हैं, उनका साथ दें और सबकी सहभागिता से हम जो है मंदिर की भीड़ को नियंत्रित कर सकें, उसमें हमारी मदद। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को बाबा बालकनाथ मंदिर द्योरसिद्ध में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बहुत ज्यादा तादाद में बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान कोविड-19 के नियमों की श्रद्धालुओं द्वारा सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इसी के चलते मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कोविड-19 के नियमों की पालन करवाने के लिए अतिरिक्त पुलिस और होमगार्ड्स की तैनाती भी की गई है।